अब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी। उपसभापति महोदय जी, जी उपसभापति महोदय, मैं आपका भारी हूँ, आसंदी का भारी हूँ। बुढ़ानिया जी के ट्रेन छूट चुकी है और उसमें हम सवार हो गए। उपसभापति कविता मत करिए, कभी कर लेंगे अपन साथ में मिलके। उपसभापति महोदय बिना कविता बाद में कर लेंगे, बिना इंजन के, बिना इंजन के डब्बा चल रही है। उपसभापति महोदय, भारत के दिलों में दौड़ती है रेल, देश के हर हिस्सों को हिस्से को जोड़ती है रेल। उपसभापति, धर्म जाति पाति जानती नहीं है रेल, छोटे बड़े सभी का, छोटे बड़े सभी को मानती है रेल। ये बात रख करके आप आगे बढ़े और इस देश के अंदर आज जो रेलवे के प्रति जो हमारी हमारा विश्वास कम हो रहा है, उस विश्वास को आप बना के रखे। आज जो है धन्यवाद, हमारा जो माल माल जो हमारा सुरक्षित नहीं पहुंचता, उसके बारे में आपको कोई योजनाएं बनानी चाहिए ताकि हमारी ये जो हमारी कमी आ गई है रेलवे, ठीक है, आपने वो पूरा कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी नेताम जी। अब बोलिए उपसभापति, बोलिए नेताम जी। मैं आपका भारी हूँ कि आपने मुझे ये बोलने का समय दिया, और जहाँ तक इस बजट का सवाल है, ये 23 तारीख को ही प्रस्तुत हुआ, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से आज ट्रेन जो है रुकते रुकते आज यहाँ तक पहुँच चुकी है, और उसमें हम सवार होकर के आज गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए। उपसभापति महोदय, आदरणीय हमारे रेल विभाग के यशस्वी मंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, निश्चित ही स्वागत योग्य है। हम ही नहीं, पूरा देश जो है स्वागत कर रहा है, और इसलिए स्वागत कर रहा है कि सभी वर्ग समुदाय सभी क्षेत्रों का ध्यान रख करके, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे उत्तर क्षेत्र की बात हो, चाहे दक्षिण राज्य की बात हो, समूचे भारत के जो लोगों की जो कल्पना सोच, उसके आधार पर लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो संसाधन है उसका कैसे बेहतर हम प्रयोग कर सकें, निश्चित तौर पे इसके माध्यम से आज यहाँ प्रस्तुत हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के आधार पर जिस प्रकार से रेल की रफ्तार चल रही है, रेल में जो आमूलचूल परिवर्तन करने के जो घोषणाएं हो रही, जो काम हो रहे हैं, ये सरकार घोषणा वाली सरकार नहीं, ये सरकार जो है काम करने वाली सरकार है। पहले जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत होता था उपसभापति महोदय, तो ऐसा लगता था जैसे कोई वहां बाजार का माहौल है। जब जिस प्रकार से सांसदों का कोलाहल होता था, लोग अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी बात, अपने अपने क्षेत्रों की बातें लेकर के जिस प्रकार से हंगामा होता था, पूरा देश जो है उस तमाशा को देखा करता था, और घोषणा ऐसे होते थे कि जैसे जहां जरूरत नहीं है वहां भी घोषणा होता था, और खास करके घोषणा वहां होता था जहां के अधिकांश जो रेल मंत्री हुआ करते थे उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में ही ज्यादातर बजट जो है केंद्रित होता था। उसके विपरीत वर्तमान सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय सुरेश प्रभु जी जैसे रेल मंत्री बैठ करके, जिन्होंने देश के आवश्यकता को ध्यान में रख करके, लोगों की जो जरूरत है उसको ध्यान में रख करके, उपसभापति महोदय रेल में बेहतर काम कैसे हो सके, जो पुराने लीक में चल रहे हैं उससे हट करके आज वर्तमान समय में हम क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं,
आज टेक्नोलॉजी का अगर युग है तो उसमें हम क्या हम उसका अधिकतर बेहतर हम प्रयोग कर सकें, इसको ध्यान में रख करके रेल में जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी परिवर्तन करने का जो बीड़ा उठाया है, निश्चित ही पूरा देश की जनता जो है इसे स्वीकार ही नहीं कर रही है, बल्कि गदगद होकर के उसका सम्मान भी कर रही है। और इसलिए ये भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं यहाँ पे संचालित की हैं, जो योजना ला रही हैं, वो निश्चित ही हम सब के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उपसभापति महोदय, अब जैसे हम हाई स्पीड ट्रेन की बात हम करें, जिसकी घोषणा हो चुकी है, मेट्रो ट्रेन में जगह जगह जो मेट्रो ट्रेन के जाल बिछाए जा रहा है, बुलेट ट्रेन की अवधारणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है, वहीं पर तेजी उसमें बहुत तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज रेल मंत्री के जो कार्यालय रेल मंत्रालय 2400 घंटा काम कर रही है, ये भी देश के इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उपसभापति महोदय, मैं सम्मान करता हूं कि जिस प्रकार से रेल मंत्रालय ने जो काम करना शुरू किया उसमें हम कह सकते हैं कि इन्होंने चार बातों को खास करके मंत्रालय के जो चार सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का ध्यान रख करके विभाग ने काम करना शुरू किया। जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम है सुरक्षा से संबंधित, जो इतनी बड़ी हमारा मंत्रालय है तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवारी जो है सुरक्षा का होता है, वहीं पर सुविधा के बारे में बात किया गया है, वहीं पर स्वच्छता और विकास के लिए इन बातों को चार बातों की ओर विशेष ध्यान रखते हुए रेल मंत्रालय जिस प्रकार से काम करना शुरू किया गया है, निश्चित तौर पे इससे एक बहुत ही सराहनीय कदम है। सभापति उपसभापति महोदय, जो बजट हम अगर देखें कि पिछली बार के जो बजट जो प्रस्तुत हुआ था 16-17 में, वो 16-17 में जो बजट हुआ प्रस्तुत हुआ था उससे बड़ पिछली बार जो है 1,21,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ था, उसे इस बार के बजट में 10,000 करोड़ के लगभग का 1,31,000 करोड़ का बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। इससे ये दर्शाता है उपसभापति महोदय कि हम आगे इस वर्ष के जो काम करने वाले हैं कितना हम आगे चल करके इसमें विस्तार, चाहे उससे सुरक्षा के लिए हो, चाहे सुविधा के लिए हो, चाहे स्वच्छता के लिए विशेष कार्यक्रम चला करके और विकास के लिए, इन चारों बातों में ये जो बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें खर्च होने वाले हैं। जहां तक रेल हादसा को रोकने के लिए, इसके लिए अलग से जो कॉर्पस जो फंड होता था, सुरक्षा निधि जो होती थी, उसमें भी 1,00,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है। निश्चित ही ये आने वाले समय में जो तत्कालिक जो आवश्यकता होगी, आवश्यक जो कदम उठाने होंगे, उस फंड इस फंड के माध्यम से ये बेहतर काम हो सकेगा। हम कह सकते हैं उपसभापति महोदय कि आज जो देश भर के जो रेलवे स्टेशन हैं उसमें आज दिखाई दे रहा कि कितना आज परिवर्तन है। इसमें हम ही नहीं बल्कि इस भाषण के जो प्रारंभ किए हमारे अपोजिशन के जावेद भाई ने भी अपने भाषण में दलगत भावना से ऊपर उठ करके उन्होंने एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपने वक्तव्य को दिया और उन्होंने सराहना किया कि वास्तव में रेल मंत्रालय आज इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यही कारण है कि देश भर के लगभग 300 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में वहां पर सुविधा के दृष्टि से एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाने का जो कार्यक्रम है ये भी बहुत एक सराहनीय कदम है। वहीं पर देश के लगभग 2000 स्टेशनों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने का संकल्प जो लिया है ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है। उपसभापति महोदय, हम पिछली बार अगर हम देखें तो देश के लिए जो रेलवे में जो डेवलप करना था, नए जो रेलवे लाइन बिछाने थे उसमें उससे भी वृद्धि करके जहां हम 2800 किलोमीटर के वृद्धि करने का जो 16-17 के जो प्रस्ताव था, इस बार के प्रस्ताव में 17-18 में करीब 3500 किलोमीटर यहां 3500 किलोमीटर यहां तक रेल का लाइन बिछाने का बजट में प्रावधान किया गया है। निश्चित ही ये सराहनीय कदम है। वहीं पर हम
जो हमारे बोगियों का, खास करके जो सवारी डब्बे होते हैं उसमें जिस प्रकार से स्वच्छता को विशेष ध्यान रखा जा रहा है, स्टेशनों में जिस प्रकार से स्वच्छता का काम चलाया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक अमूलचूल जो परिवर्तन होना चाहिए वो आज दिखाई दे रहा है। आज हम वहां पर बोगियों में भी जहां पर हम प्रवेश करते हैं वहां पे एसएमएस के माध्यम से भी वहां पे माई कोच सुविधा जो लगाया है उसके माध्यम से भी हम अपने वहां पर किसी प्रकार के कोई असुविधा हो तो उसे हम फोन करके कॉल करके वहां तत्काल जो है सेवा ले सकते हैं। एक और बड़ी जो परिवर्तन इसमें उपसभापति जी जो देखने को मिल रहा है कि जो रेलवे के ई टिकट के माध्यम से जो सर्विस चार्ज नहीं देना होगा उसके वजह से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वहीं पर हम देखते हैं कि देश में जो कैशलेस जो रिजर्वेशन होता था, पहले हम देखें 58% ही इसमें कैशलेस के माध्यम से वहां टिकट बुकिंग होती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये बढ़ करके 68% से भी ऊपर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये दर्शाता है कि इसके माध्यम से लोगों कितना इससे फायदा हो रहा है। वहीं पर 2020 तक जो ब्रॉडगेज से मानव रहित क्रॉसिंग खत्म करने के जो योजना है वास्तव में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी इन्होंने घोषणा किया है और एक इस काम को लिया है। सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे और पर्यटन और तीर्थ स्थानों के लिए विशेष ट्रेन चलाने के जो विशेष इसमें प्रावधान किया जा रहा है, निश्चित तौर पे इस मैं इसकी सराहना करता हूं, ये बधाई के पात्र हैं। उपसभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ साथ मैं, अब छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है ये जो एक नवोदित राज्य है और एक कह सकते हैं कि जहां की पॉपुलेशन 32% ट्राइबल और वहां 85 ब्लॉक जो है वो ट्राइबल ब्लॉक है, 146 में 85 जो है ट्राइबल ब्लॉक है। वहां पर आज हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो कम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें विशेष ध्यान दें जिससे कि यहाँ का जो खनिज का भी जो बेहतर एक दोहन भी हो सके, उसका फायदा वहां पर मिल सके, वहां के वनवासियों को, वहां के निवासियों को रेलवे का लाभ मिल सके। इसके लिए महोदय मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोरबा से अंबिकापुर जो 54 लाइन है नई लाइन है इसे स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। अंबिकापुर बरवाडी जो रेल लाइन है, एक इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सबको आश्चर्य होगा, सदन में आश्चर्य होगा लोगों को कि सन 1935-36 में ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अंग्रेजों के शासन थे, उस समय इसकी कल्पना की गई थी। इसलिए कल्पना किया गया था कि बॉम्बे से कलकत्ता की जो दूरी है इसमें इस लाइन को बना देने से लगभग जो है 400 किलोमीटर की दूरी कम हो रही। तो ये सिर्फ जो है वहां के लोगों की ही आवश्यकता नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय हित में एक बड़ा फैसला हो सकता है। और इस बारे में लगातार जो है पूर्व की सरकारों में भी कई बार जो है बजट में आया लेकिन उसे स्वीकृति जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलना चाहिए जो स्वीकृति मिलना चाहिए वो वित्त विभाग से क्लियरेंस नहीं हो पाया। मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान में पूर्व में यूपीए की भी सरकार रही उस बजट में भी आया लेकिन वो फाइनेंस जाते जाते तक वो लटकता रहा। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा 1941-42 में भी वहां पर वो लाइन का काम शुरू हो गया। आदरणीय जयराम रमेश जी हैं यहां पर, आदरणीय आप सबको भी मालूम है कि 1941-42 में भी वो काम शुरू हो गया और झारखंड से आपका बरवाडीह से लेकर के बलरामपुर जिले तक का लाइन का भी काम हो गया। वहां पर ट्रेन का लाइन उस समय स्टेशन भी कई जगह बन गए, वहां लाइन भी बिछाने के पुल पुलिया तक बन गया था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि देश की जो 1946-47 में उस समय जो भी परिस्थितियां रही होंगी उस समय के बजट में इसे जो है रोक दिया गया और लगातार तब से लेकर के
आज तक वो लाइन जो है अभी तक वैसी रहा, और सिर्फ जो है 182 किलोमीटर की दूरी बस इतना ही है। अब इतना महत्वपूर्ण लाइन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी राष्ट्रहित का मामला हो सकता है उपसभापति महोदय, और इसलिए इस लाइन को अगर हम जोड़ते हैं तो जहां हम एक तरह से बॉम्बे और कलकत्ता की दूरी को हम 400 किलोमीटर दूर कर पाएंगे, वहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित और राष्ट्रहित का भी मामला हो सकता है। और वहीं पर इन क्षेत्रों में खास करके जो झारखंड का हमारा गढ़वा रोड से लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, झारखंड का जो पश्चिमी और दक्षिणी जो हमारा झारखंड है, मिनरल से भरा हुआ है, और इसलिए इसका एक बेहतर उपयोग हो सकता है उन क्षेत्रों में निवासियों का। उपसभापति महोदय, मैं तो अभी शुरू किया हूं और इसलिए मैं प्रथम वक्ता हूं, मैं अपने दल की ओर से मैं प्रथम वक्ता हूं, और इसलिए बार बार इधर देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाइए ट्रेन की, जिससे कि आप कंक्लूड कर सके। उपसभापति महोदय, मेरी चिंता ये है कि आपका भाषण पूरा हो जाना चाहिए। स्पीड बढ़ाइए आप। बहुत है सर, स्वागत है, स्वागत है। हाँ उपसभापति महोदय, मैं खास करके मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा ये जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहाँ मैंने निवेदन किया कि अंबिकापुर से बरवा डी रेल लाइन एक इतनी आवश्यकता, इसके बारे में हमने निवेदन किया। रायपुर आने जाने के लिए अंबिकापुर सरगुजा से, जिसमें कि रायगढ़ हमारा जसपुर जिला पड़ता है, कोरिया जिला पड़ता है, सरगुजा जिला पड़ता है, बलरामपुर जिला पड़ता है, झारखंड का भूभाग है, इन जिलों के लोगों को, निवासियों को आने जाने के लिए सीधे रायपुर पहुंचने के लिए कोई वैसी ट्रेन नहीं है, सिर्फ एक ट्रेन की सुविधा है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से अगर एक इंटरसिटी ट्रेन चला दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन जो चल रही है, सप्ताह में 2 दिन चलती है, इसे डेली कर दिया जाए। अंबिकापुर से दिल्ली जाने के लिए यात्रियों के लिए जो कनेक्टिविटी है, वहां के लिए एक ट्रेन चलाया जाए। अंबिकापुर स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाए। दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी कोच का अतिरिक्त कोच लगाया जाए। उसलापुर, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, इन स्टेशनों को वहां पर एक आदर्श स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाए। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपसभापति महोदय, जो रायपुर से आने जाने के लिए, आज भी हम लोग दिल्ली से रायपुर हम जाते हैं या रायपुर से दिल्ली आते हैं तो 20 घंटा 22 घंटे का समय लगता है। इसको कैसे हम ठीक करेंगे, ये दूर इतना समय लगता है आज के समय में, और इसलिए इसे इसके लिए और भी फास्ट ट्रेन चलाया जाए, और जो राजधानी सिर्फ 2 दिन चल रही है उसे प्रतिदिन किया जाए। साथ ही साथ उपसभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, एक रायपुर से टिटलागढ़ दोहरी रेल लाइन का काम आज से लेकर के 1930-31 की लाइन है, 1930-31 आजादी के पहले की लाइन, ये लाइन अभी तक चल रहा है। उपसभापति महोदय, जो दक्षिण भारत पूर्वी समुद्री क्षेत्र एवं मध्यम क्षेत्र उत्तर भारत को जोड़ने में रायपुर विजयनगरम रेल लाइन की जीवंत भूमिका है, ये लाइन इतनी जरूरी है कि आज भी छत्तीसगढ़ राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है, जहां की कोयला 22.6% लो अयस्क, 19.8% सीमेंट, 36.5% उत्पादन होता है। ऐसे देश को एक अलग एक समृद्धशाली बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ का जो महती भूमिका है उसे देखते हुए यहाँ पर इस लाइन को जो है प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। आप सबको मालूम होगा उपसभापति महोदय कि सिर्फ जो है 42 किलोमीटर के कार्य जो है पूर्ण हुआ है, अभी बाकी काम जो है अभी दोहरीकरण का काम बाकी है। एक दल्ली राजहरा राव घाट की बहुत प्रतीक्षित योजना थी, इसे हमारी सरकार ने स्वीकृति दे करके काम शुरू कर दिया, काम चालू है, सिर्फ जो है कुछ काम बाकी है। मेरा निवेदन है इस काम में और गति लाया जाए, जिससे कि ये काम जो है वहां के पूर्ण होने से उस क्षेत्र की जनता को और मिनरल्स के लिए और बीएसपी के लिए जो जिसे ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। एक और निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय, आपके क्षेत्र का भी कोई बात हो तो मैं रख दूं, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं उपसभापति महोदय कि खास करके आपके यहां उज्जैन का
उज्जैन के लिए और कोई फास्ट ट्रेन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? आप भी कई बार वहां से बोलते हैं, मैं भी समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारा धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, और इसलिए सुविधा को वहां और विस्तार होना चाहिए। साथ ही साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि फैजाबाद में एक गुड सेड है जिसके जिसको आसपास शिफ्ट करने के लिए आम जनता, जनप्रतिनिधियों एवं माननीय सांसदों के द्वारा लगातार मांग किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक क्या कारण है कि इसे अभी तक अलग नहीं किया गया? क्योंकि इसके कारण जो शहर में न केवल ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हो रही है, अपितु ट्रकों के आवागमन और लोगों के आने जाने में भी बहुत असुविधा हो रही है, और इसलिए निवेदन है कि इसे जिसे जनता रेलवे और है आपके होता है। इस संदर्भ में उत्तर रेलवे तथा गुड सेट को सलारपुर में शिफ्ट करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसको स्वीकृत करना अति आवश्यक है। कृपा करके इसे स्वीकृत करने का धन्यवाद, कृपा करेंगे। उपसभापति महोदय, आपने मेरी बात भी कही, इसके लिए धन्यवाद, और हमारी बात को गंभीरता से सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अपने जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं सम्मान जो है समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद श्रीमती।